नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। चित्तौड़गढ़ में बैक टू बैक एसीबी की दूसरी बड़ी कार्रवाई। पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन आरपी नकारा को ट्रैप किया। डाक बंगले में एसीबी उदयपुर ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। आरोपी पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन आरपी नकारा को 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। अभी भी मौके पर जारी उदयपुर एसीबी टीम की कार्रवाई। 1 करोड़ रुपए के अभी के बिल और पुराने बिल पास करने के अवज में घूस ली गई। 1.5 लाख रुपए पहले भी रिश्वत के रूप में ले चुका था आरोपी एक्सीएन आरपी लखारा। बिल पास करने को लेकर ठेकेदार को परेशान कर रहा था। कार्रवाई के दौरान आरपी लखारा ने बंद कर दिया था आवास का गेट। एसीबी टीम ने गेट तोड़कर कार्रवाई को अंजाम दिया। आवास का दरवाजा तोड़ते ही आरोपी एक्सीएन आरपी लखारा ने भागने का प्रयास भी किया। मेरे सहयोगी पीके अग्रवाल जुड़ गए। पीके अग्रवाल, ये कार्रवाई इसलिए बड़ी है क्योंकि दरवाजे तोड़कर कार्रवाई की गई है। निश्चित तौर पर जिस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, चित्तौड़गढ़ दूसरी बड़ी कार्रवाई हुई है। ये उदयपुर एसीबी की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। आरपी लखारा है, राजेंद्र प्रसाद लखारा अधीक्षण अभियंता है चित्तौड़गढ़ पीडब्ल्यूडी में। और निश्चित तौर पर जिस तरह से जो बर्बादी है वो ठेकेदार है रवि शर्मा करके इनका नाम है, दामोदर कंस्ट्रक्शन इनकी फर्म है। और इनका 1 करोड़ का हाल ही का बिल है और कुछ पुराने बिल है उनको पास करने की एवज में। बड़ी बात ये है कि ठेकेदार को कहा गया कि आपके पैसे आने के बाद बिलों को पास करने की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसा भी नहीं है कि बिल पास करके रख लिए गए हो और उसका पेमेंट कर रहे हो। और बिंदास तरीके से, जैसे हमारे पास सूत्रों से खबर आ रही है, बिंदास तरीके से दफ्तर में बैठकर जिस तरह की बातें करता था राजेंद्र प्रसाद लखारा यानी आरपी लखारा, तो वो किसी से छुपी नहीं थी। और निश्चित तौर पर जिस तरह से कार्रवाई को एसीबी ने अंजाम दिया है और जैसे गेट को तोड़ा है, वहां से भागने की भी कोशिश की, दीवार को फलान के जब भागे तो एसीबी ने निश्चित तौर पर पीछा करो और आरोपी को पकड़ा है। और अभी मौके पर कार्रवाई जारी है। जी पीके अग्रवाल, क्या लग रहा है कितना खुलासा हो सकता है क्योंकि कैश ही काफी ज्यादा बरामद हुआ है? इसमें कोई शक नहीं है, जिस तरह से 4 लाख की राशि बरामद हुई है और जब जांच होगी तो दर परत खुलेंगी। और जब परत खुलती है तो इसमें और कौन कौन इन्वॉल्व है इस बात का भी बात सामने आएगी। और ऐसा नहीं है जिस तरह से ये उदयपुर में निवास करते थे और ज्यादातर अप डाउन करते थे, चित्तौड़गढ़ में इनका आवास है और वहां भी रहते थे, लेकिन आज सिर्फ ऐसा बताया जा रहा है कि ये कोई डील होनी थी इसीलिए चित्तौड़ में रुके हुए थे, अन्यथा ये रोजाना शाम को उदयपुर निकल जाते हैं। और जिस तरह से आज 4 लाख रुपए की राशि ली है, निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई है और एसीबी अब सारी फाइलों को खंगालेगी और कई राज और भी खुल सकते हैं। पीके अग्रवाल, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।